ये मेडल है देश का, ये मेडल है मेहनत का, ये मेडल विरोधी टीम के खिलाड़ी को हराने का, देश के नाम रोशन करके सुमित सांगवान वापस घर लौट आए हैं। किसान के बेटे ने स्पेन में भारत का तिरंगा ऊपर किया और सिल्वर मेडल अपनी झोली में डाला। अलग अलग वेट कैटेगरी में कुल भारत को इस टूर्नामेंट में 10 मेडल मिले, जिसमें एक गोल्ड, 8 सिल्वर और एक कांस्य है। वहीं जिसमें एक गोल्ड समेत 4 सिल्वर यानी कुल 5 मेडल हरियाणा से हैं। सुमित सांगवान ने रिंग में 2 फाइट जीतने के बाद फाइनल में प्रवेश कर लिया था। उन्हें फाइनल का इंतजार था, लेकिन उनके साथी खिलाड़ी, उनके रूममेट बॉक्सर आशीष को कोरोना हो गया, जिसके चलते सावधानी के लिए सुमित को भी फाइनल में रिंग में नहीं उतरने दिया। जिस हिसाब से सुमित जोश में थे और 2 फाइट जीत चुके थे, उससे ये लग रहा था वो फाइनल भी जीत जाएंगे, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और उन्हें सिल्वर मेडल मिला। ये बॉक्सिंग टूर्नामेंट था, स्पेन में हो रहा था, काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। 2 फाइटें लड़ा हूँ और इंडिया और पूरी टीम का काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रही है, तो थैंक यू सभी। प्रैक्टिस अच्छी चल रही थी, फेडरेशन ने कैंप लगाए ऑर्गेनाइज किया हुआ था, जो क्या कहते हैं बेलारी में चल रहा था हमारा, इससे पहले 2 महीने से कैंप था वहाँ पे, और काफ़ी अच्छी तैयारी थी, इसलिए रिजल्ट ऐसे आए। जहाँ तक गोल्ड की बात है, तो ये कोविड की वजह से तो हर जगह पे आपने देख रहे हो इतने सब क्या कहते हैं चीज़ें रुकी पड़ी हैं, सबको फेस करना पड़ रहा है, तो इसमें तो कुछ कर नहीं सकते, बट ये कि अपना जहाँ तक रिंग में जाने की बात थी, अपनी परफॉर्मेंस करने की बात थी, परफॉर्म करने की बात थी, तो अच्छे से परफॉर्म किया है, अपना बेस्ट दिया है और सेटिस्फाई हूँ अपनी जो फाइटें लड़ी हैं, जो मैंने अपना गेम दिखाया वहाँ पे। आगे अभी नेक्स्ट फिर कैंप है और नेक्स्ट मंथ फिर टूर्नामेंट है, तो ये मोस्ट इस ईयर में 2 मेजर टूर्नामेंट है, एशियन चैम्पियनशिप और वर्ल्ड चैम्पियनशिप, तो जिनके लिए बेसिकली तैयारियां चल रही हैं। सबको बेस्ट विशेस देता हूं कि हाँ अपनी तरफ से अच्छा करो, अपना बेस्ट दो, देश के लिए मेडल जीत के आओ। देखिए फैमिली का शुरू से सपोर्ट रहा है और एक फार्मर फैमिली से हूँ, पता है कि हाँ मेहनत शुरू से देखी है, पेरेंट्स ने किया खेतों में, तो हमने वो ग्राउंड पर किया उनके सपोर्ट से, तो एक ये मेहनत की वजह से ही यहाँ पे हैं। 2012 में ओलंपिक खेला था मैं, एशियन चैम्पियनशिप खेल चुका हूँ, 3 वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेल चुका हूँ, तो जब भी मौका मिला है और परफॉर्म किया है। देखिए मैं इसमें अपने परिवार को मानता हूँ, सभी ने अपना रोल अदा किया है, स्पेशली मेरे अंकल चाचा विनोद सांगवान, जिन्होंने बॉक्सिंग के लिए मुझे स्टार्टिंग में मोटिवेट किया और बॉक्सिंग में लेके आए मुझे, और मेरे पूरे परिवार को, माँ बापू, दाऊ दादा, सभी ने मेरा क्या कहते हैं ख्याल रखा और जहाँ पे भी कमज़ोर पड़ा मेरा साथ दिया, और अपने क्या कहते हैं फेडरेशन, हमारे कोचेस जो हमें ट्रेन कराते रहते हैं, ट्रेन करते हैं, और फेडरेशन जो सब चीज़ें ऑर्गेनाइज करती है, हमें मौका देती है परफॉर्म करने का। तो सर आप घर पहुँचे हैं, स्वागत किया, किस तरह का महसूस कर रहे हैं? काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा हूँ, काफ़ी 3 महीने के बाद ऑलमोस्ट आया हूँ घर पर, सबसे मिल के अच्छा लग रहा है। देखिए किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ इसलिए भी, और दूसरा किसान हमारे देश का अन्नदाता है, तो हमें उनके सपोर्ट में खड़ा होना चाहिए, और बस उसी के लिए मैं वहाँ पे था। खुश हैं हम, बहुत खुश हैं, इनफैक्ट मम्मी पापा सब बहुत खुश हैं। नहीं, अच्छी बात है, अपनी फील्ड पे, अपने करियर पे पहले फोकस करना चाहिए, फैमिली तो हमेशा सपोर्ट में खड़ी रहेगी, जैसे मम्मी पापा रहते हैं ऐसे मेरा भी साथ रहेगा। जस्ट यही कहूँगी, बहुत हार्डवर्क करते हैं एंड इसीलिए आज सिल्वर तक पहुँचे हैं, इनफैक्ट ये गोल्ड तक भी पहुँचते हैं, आई एम श्योर अबाउट दैट, बट कोई ना, एंड इन फ्यूचर और भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, बहुत बहुत खुश हैं। ये बड़ा टूर्नामेंट खिलाड़ियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए होते हैं, जिसमें अलग अलग देशों के खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं, ताकि आने वाले टूर्नामेंट की तैयारी हो सके। घर पहुंचने पर सुमित की पत्नी माँ खुश हुई और मिठाई खिलाकर उनका स्वागत किया। बड़ी खुशी है, और मुझे क्या, हर माँ बाप को खुशी होती है जब किसी का बच्चा, माँ बाप का बच्चा कामयाब होता है, किसी ऊंचे ओहदे पर पहुँचता है, कहीं से मेडल विदेश से जीत कर लाता देश के लिए, तो हर माँ बाप की खुशी होती है। और रही दूसरी बात, ये जैसे हार्ड, बहुत हार्ड गेम है जो बॉक्सिंग का गेम है, बहुत हार्ड गेम है ये, हार्ड
इसलिए कामयाब है तकरीबन मेरे हिसाब से तो, क्योंकि किसान का बेटा है और खेती के अंदर खेती का जो काम है सारा हार्ड वर्क है और इसने वो काम किया है। हार्ड वर्क करने की वजह से ये वहाँ भी कामयाब आज। बाकी रही इस बार तमन्ना थी भी शायद गोल्ड लेकर आए, बड़ी तमन्ना थी, लेकिन किस्मत है, करने वाला तो परमात्मा है। देखो दो इसने रिंग की, रिंग मतलब दो बाइट की इसने जीत्या, और तीसरी जिसमें गोल्ड आनी थी उसमें अचानक कोरोना का पता चलने की वजह से वो गेम ही कैंसिल हो गया। तो क्या कर सकते हैं, सारा मुकद्दर है, इंसान किस्मत है, जो करने वाला भगवान करने वाला है। लेकिन उम्मीद है जी, उम्मीद पर दुनिया कायम है। बड़ी सच्ची लगन से काम कर रहा, बहुत मेहनत कर रहा, अपना पूरा 100% दे रहा इसके अंदर। ये हमने उम्मीद है, चलो कोई नहीं, इस बार नहीं अगली बार सही। कैसे इसने इतनी लगन की है जिसके बारे में क्या बताऊँ। हमारा संगठित परिवार है जी, इसने जो लगन की, इसने जो सबसे पहले हम गुड़गांव के अंदर एकेडमिक में छोड़ के आए और ये वहाँ से लगभग 5-6 महीने के बाद छुट्टी लेकर जब आया घर पहुँचा तो हम तीन भाई हैं, पता नहीं किसी बात को लेकर तीनों भाइयों में कुछ तकरार सा, कुछ तनाजा था और हमने इसके आने का ध्यान नहीं दिया बिल्कुल। ये कब आया घर के अंदर, कब प्रवेश कर रहा इसने। इसने देखा भी तीनों भाई लड़ रहे, मेरे चाचा आता हो, मेरे बापू भाई आपस में बोल चाल कर रहे, ये आराम से सुनता रहा और ये उल्टा बोल दिया, बल्कि उल्टा चल दिया वापस गुड़गांव के लिए। जब ये उल्टा चला तो तब ध्यान पड़े इसके ऊपर, भाई सुमित तू भी आ रहा भाई, बेटे तू आ जा, कोई बात नहीं तू आ। बोला नहीं आप लोग लड़ लो पहले, भी तो बाद में आ जाऊंगा। यानी कि इतनी लगन करी इस बंदे ने, कभी इसने बिल्कुल पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। बड़ी खुशी है भाई, बहुत खुशी है, भगवान ये दिन तब सबको दिखाए। आगे बॉक्सिंग के और बड़े टूर्नामेंट होने हैं और उम्मीद है कि भारत के सभी खिलाड़ी अपना जबरदस्त खेल दिखाएंगे और ज्यादा से ज्यादा मेडल लेके आएंगे।